Hey guys, welcome back to your own channel, Priyanka the Pharmacist. तो friends, first of all, I would like to say you sorry कि मैं बड़े time से videos जो है upload नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ तो दिवाली का festival भी था और कुछ अपने job की वजह से मैं आजकल थोड़ा busy हूँ, तो इसीलिए मैं videos upload नहीं कर पा रही हूँ. तो friends, क्योंकि अब जो है दिवाली का festival भी निकल गया है और मेरे पास थोड़ा सा time भी है, तो अब से मैं regularly अपनी videos जरूर post करती रहूंगी. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आप लोग ने देख ही लिया होगा, कि बच्चों को हार्मफुल केमिकल से किस तरीके से बचाया जाए. फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में मॉडर्नाइजेशन हो रही है, वैसे ही साथ के साथ केमिकल्स का, पॉल्यूटेंट्स का और खतरनाक दवाइयों का जो है प्रभाव भी उतना ज्यादा हमारी सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है. तो फ्रेंड्स, बीइंग अ न्यू जनरेशन पेरेंट्स, आई नो कि आज के टाइम में पेरेंट्स की सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चों को हार्मफुल केमिकल से कैसे बचाया जा सके, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल आगे जा करके हमारे बच्चों में बहुत बड़ी बीमारियां जो है पैदा कर सकते हैं, है ना. तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो डिजाइन की है, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि बच्चों को हार्मफुल केमिकल से कैसे बचाया जाए. तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने आपको 7 पॉइंट दिए हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने का और बच्चों को केमिकल से बचाने का. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर वन इज गेट एन एयर डिटॉक्स. देखिए, अगर आपके घर के आसपास ट्रीज या प्लांट्स हैं और आपके घर के अंदर फ्रेश एयर अंदर आती है, तो वीक में एक दिन अपनी विंडोज वगैरह ओपन कीजिए और सनलाइट को डायरेक्ट अपने घर के अंदर आने दीजिए. ऐसा करने से घर के अंदर जो जर्म्स होते हैं और जो घर के अंदर पोल्यूशन होता है वो डाइल्यूट होता है और हमारे घर के माइक्रोब्स जो हैं वो अच्छे से मर जाते हैं. आप चाहें तो अपने घर के फर्नीचर को, मैट्रेसेस को या अपने ग्लास आइटम्स को भी एक बार धूप का एक्सपोजर करवा सकते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से राहत हो. नंबर टू इज रीड लेबल ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट. क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि लाइजोल, कॉलिन या घर में पोछा लगाने वाले फिनाइल्स वगैरह, ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें कि उनके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि पैराबेन, थैलेट्स, ऑक्सीबेंजोन या ट्राइक्लोसियन वगैरह अवेलेबल ना हो, क्योंकि ये केमिकल्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो हार्मोन बनाते हैं ऐसे सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं और हमारे केमिकल बैलेंस को इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसके हमें लेटर ऑन बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने पड़ सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर के अंदर बना हुआ एक नेचुरल होममेड क्लीनर यूज़ करें, जिससे अपने घर की विंडोज, सर्फेसिस वगैरह की क्लीनिंग करें. इसके लिए आपको नुस्खा मैं आगे बताने वाली हूँ. नंबर थ्री इज मेक योर ऑन होम मेड क्लीनर. जैसा कि केमिकल से बचना ज़रूरी है, वैसा ही घर में एक होम मेड क्लीनर होना बहुत ज़रूरी है. एक होम मेड क्लीनर के लिए आपको चाहिए वाइट विनेगर, थोड़ा सा घर में यूज़ किया जाने वाला डिश वॉश लिक्विड और प्लेन वाटर. तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक खाली बॉटल के अंदर उसको हाफ क्वांटिटी वाटर के साथ फिल कर लें, राइट. और वाटर फिल करने के बाद उसके अंदर 1/4 क्वांटिटी आप विनेगर यानी कि सिरके की डालें. देखिए, जो हमारा सिरका होता है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल करने की ताकत होती है, जैसे कि ईकोलाई जो हमारे पेट में इन्फेक्शन करता है, जैसे कि साल्मोनेला जो कोल्ड या कफ वगैरह फैलाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को इंस्टेंटली किल करने की ताकत होती है सिरके में यानी कि विनेगर में. और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डालने से भी उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है. तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ एक नेचुरल होममेड क्लीनर यूज़ करें और अपने घर के सरफेसेस की क्लीनिंग इसी चीज़ से करें. इस वीडियो में इस क्लीनर का बहुत महत्व है, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में भी बताने वाली हूँ, जिसके लिए पूरी वीडियो आप देखते रहें. नंबर फोर इज रिमूव शूज. देखिए फ्रेंड्स, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे मार्केट में, हमारी सोसाइटी में या हमारे मोहल्ले में कई बार स्प्रेज वगैरह करने वाले पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे किए जाते हैं मच्छरों को मारने के लिए, और जब हम घर पे आते हैं तो हम वही स्प्रेज वगैरह अपने शूज़ के साथ जो है घर के अंदर ले आते हैं. तो इसके लिए आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि जो भी आपके घर के अंदर आए, चाहे फिर वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, वो घर के अंदर आने से पहले अपने पैर अच्छे से क्लीन करें और अपने रिमूव शूज़ जो हैं बाहर ही रिमूव करके घर के अंदर आए, राइट. नेक्स्ट इज़ रिमूव डस्ट.
फ्रेंड्स जो हमारे घर के सरफेसेस वगैरह पे, विंडोज पे या शीशों के ऊपर जो भी डस्ट वगैरह पड़ी होती है, उनके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो कई बार फ्लाइज या एंट्स वगैरह उन सरफेसेस के ऊपर छोड़ के जाते हैं, तो उनको रेगुलरली एक वेट क्लोथ के साथ क्लीन करिएगा ताकि वहाँ से आप अच्छे से केमिकल्स को रिमूव कर सकें। और टाइम टू टाइम अपने घर के कॉर्नर्स को भी साफ करते रहें ताकि बच्चों को केमिकल से बिल्कुल दूर रखा जा सके। नेक्स्ट इज स्क्रब योर हैंड्स। देखिए, सिर्फ पानी से हाथ धोने से कभी भी जर्म्स की किलिंग नहीं होती है, इसीलिए क्योंकि हमारे बच्चे बार बार घर से बाहर खेलते हैं और घर के अंदर जो डस्ट होती है वो अपने हाथों पर उठा लेते हैं, इसीलिए बच्चों को खाना खाने से पहले ये जरूर इंश्योर करें कि वो अपने हाथ साबुन के साथ अच्छे से 7 सेकंड के लिए ज़रूर वॉश करें। ऐसा करने से उनके अंदर केमिकल की कंजप्शन बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट इज टॉय क्लीनिंग। देखिए, अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, टॉयज़ हर किसी के घर में होते हैं जो सबसे ज़्यादा जर्म्स कैरी करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपने बच्चों के टॉयज़ की क्लीनिंग करनी है, जिसके लिए ये होममेड क्लीनर जो मैंने अभी बनाया था उसको आप यूज़ कीजिए। उसको यूज़ करने के लिए आप उसको टॉय के ऊपर अच्छे से स्प्रे करें और एक क्लीन क्लोथ से उसको थोरली क्लीन करें ताकि केमिकल्स की उनसे बिल्कुल प्रिवेंशन हो सके। सिमिलरली, अगर कुछ भी ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर जैसे कि ये सेल वगैरह के पार्ट्स होते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, तो ऐसे पार्ट्स में पानी जाता है तो सेल लीक कर जाते हैं, तो ऐसे के लिए आप क्या कर सकते हैं, कपड़े के ऊपर अपने लिक्विड को स्प्रे कीजिए और उससे थॉरली आप उसको क्लीन कीजिए। ऐसा करने से आप सिर्फ हफ्ते में एक बार अपने बच्चों के टॉयज़ को क्लीन कर दीजिए, अगर पॉसिबल हो तो आप एक 1 मंथ में भी क्लीन कर सकते हैं ताकि बच्चों के अंदर मिनिमम जर्म्स का एक्सपोजर हो और बच्चे केमिकल से बचे रह सकें। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जर्म्स के ऊपर या टॉयज़ वगैरह के ऊपर भी बहुत सारी डस्ट रहती है जिनमें बहुत सारे केमिकल रहते हैं, एंड अल्टीमेटली वी नीड टू क्लीन देम थॉरली। नेक्स्ट इज स्टे सेफ विद लेस सनस्क्रीन। देखिए, अपने बच्चों को सन रेज से बचाना हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है, जिसके लिए हम सनस्क्रीन्स का यूज़ करते हैं जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो हमें सनस्क्रीन यूज़ करना ही पड़ता है। तो आप क्या करें कि मिनिमल सनस्क्रीन यूज़ करें, जैसे कि फेस वगैरह पे थोड़ा बहुत अप्लाई करें, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं ताकि उनकी यूवी रेज से भी बचत हो और केमिकल से भी कम एक्सपोजर हो। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को छोटे मोटे चेंजेस करके केमिकल से बचा सकते हैं। ये ऐसी चेंजेस हैं जो अगर हम डेली बेसिस पे भी अपना सकते हैं तो हम अपनी लाइफ के अंदर ट्रेमेंडस रूप से चेंजेस देख सकते हैं। ये जो वीडियो बनाई गई है ये बहुत सारी स्टडीज के अकॉर्डिंग, स्टडीज को चेक करके बनाई गई है, सो दैट के आप अपने बच्चों को इस तरीके से बचा सकें या अपने बच्चों को केमिकल से बचा सकें, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।